कुमार, आज आपको LIC के न्यू बीमा बचत प्लान के बारे में डिटेल्स बताने वाला हूँ। और ये पॉलिसी उन लोगों के लिए बेस्ट सुटेबल है जो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी इंश्योरेंस में, और वो चाहते हैं कि मैं एक बार इन्वेस्ट करके फुर्सत हो जाऊं एंड मुझे उसका रिटर्न मिले कुछ समय के बाद। दूसरा बेनिफिट ये उन लोगों के लिए जो सपोज़ मान के चलिए कि शॉर्ट टर्म प्लान देख रहे हैं, क्योंकि LIC में नॉर्मली आप कोई भी प्लान परचेस करेंगे तो मिनिमम आपका 14 ईयर्स का रहता है। ठीक है, मिनिमम 14 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स तक रहता है। बट सपोज़ अगर कोई पर्सन है जो कि 8 साल 9 साल 10 साल या 12-15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इनिशियली, और रेगुलर इंटरवल पे उनको रिटर्न भी चाहिए, तो उनके लिए ये पॉलिसी बेस्ट सुटेबल है। बिकॉज इसमें आपको एक बार इन्वेस्टमेंट कर देना है इनिशियली। सपोज़ आपके पास मान के चलिए कोई पैसा आया हुआ है ज़मीन बेचने के बाद, या फिर और कुछ चीज़ है जो आपका कोई अलग जगह से आपने इंश्योरेंस वगैरह का पैसा आपके पास आया और आप चाहते हैं कि उसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसे आप यूँ ही बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप इस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करके इससे रेगुलर आप इनकम ले सकते हैं। एक रेगुलर इंटरवल पे आपको मनी बैक के रूप में अमाउंट मिलेगा जिसे आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं फिर किसी दूसरे जगह पे, जिससे आप SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ से आपको ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकता है। बट एज ए सिक्योरिटी LIC जो है वो ट्रस्टेड ब्रांड है, एंड जो LIC में प्लान्स हैं वो मैक्सिमम ट्रेडिशनल प्लान्स हैं। यूलिप प्लान्स आपको बहुत कम मिलेंगे, एक या दो यूलिप प्लान्स हैं जिसके डिटेल मैं आपको आगे की वीडियो में दे दूंगा। तो इस वजह से ये सेफ होता है। सेफ होने का कारण ये है कि आपका पैसा कहीं डूबेगा नहीं और आप एश्योर रहेंगे कि हाँ आपको इतना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको क्या बेनिफिट मिलता है LIC के बीमा बचत प्लान में। तो LIC का जो बीमा बचत प्लान है उसमें आपको देख सकते हैं ये LIC के ब्राउज़र ही मैंने डाउनलोड किया हुआ है, और इसे सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं बता दूंगा, एंड अगर आपको ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए रहेगा तो आप मेरे ब्लॉग पे जाके पढ़ सकते हैं। मैं ब्लॉग पे अपना डाल दूंगा डिटेल्स और वहाँ पे लिंक दे दूंगा मैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बेनिफिट्स में आपको क्या मिल रहा है। बेनिफिट्स आप देख सकते हैं, डेथ बेनिफिट आपको मिल रहा है, बट इसमें अदर पॉलिसीज के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस है। डेथ बेनिफिट में थोड़ा सा जो ट्विस्ट है वो क्या है कि अगर सपोज़ पॉलिसी होल्डर की डेथ पहले 5 सालों में हो जाती है, ठीक है, तो जो पॉलिसी होल्डर को नॉमिनी को जो डेथ बेनिफिट मिलेगा वो सम अश्योर्ड के इक्वल होगा। ठीक है, सपोज़ मान के चलिए मैंने 1 लाख रुपए का सम अश्योर्ड लिया है, तो इस सिचुएशन में मेरी डेथ के बाद मेरे नॉमिनी को 1 लाख रुपए का अमाउंट मिलेगा। सेकेंड ट्विस्ट क्या है कि सपोज़ अगर पॉलिसी 5 साल मैंने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, प्रीमियम तो आपको वन टाइम ही पे करना है। इसमें प्रीमियम आपको ऐसा नहीं है कि हर महीने या हर साल आपको पे करना है, वन टाइम आपने पे कर लिया, बट वन टाइम पे करने के बाद 5 साल तक पॉलिसी कंटिन्यूस रह जाती है और उसके बाद मेरी डेथ होती है या फिर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है, तो उस सिचुएशन में सम अश्योर्ड तो मिलेगा ही नॉमिनी को, उसके साथ ही लॉयल्टी एडिशन बोनस जो रहेगा, जो भी कैलकुलेशन रहेगा वो ऐड करके मिलेगा। यानी कि सम अश्योर्ड प्लस आपका लॉयल्टी एडिशन, ये दोनों मिलके एक तरह से आप देख सकते हैं कि आपका मैच्योरिटी अमाउंट के इक्विवेलेंट ही अमाउंट मिलेगा। आप नीचे देख सकते हैं वेयर सम अश्योर्ड ऑन डेथ इज डिफाइंड एज हायर ऑफ 1.25 टाइम्स द सिंगल प्रीमियम। ठीक है, जो भी आपका सिंगल प्रीमियम रहेगा उसका 1.25 टाइम्स मिलेगा। सपोज मैंने सिंगल प्रीमियम 1 लाख रुपया पे किया है, तो जो नॉमिनी को जो सम अश्योर्ड मिलेगा वो 1,25,000 रुपये होगा। आई होप कि ये टर्म्स आप समझ चुके होंगे। ठीक है, दूसरा है सर्वाइवल बेनिफिट। सर्वाइवल बेनिफिट क्या है कि ऑन द लाइफ एश्योर्ड सर्वाइविंग टू द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड ड्यूरेशन ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड इज पेएबल। चलिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। सर्वाइवल बेनिफिट में क्या होता है कि सपोज ये पॉलिसी आप ले सकते हैं 9 साल के लिए मैक्सिमम, 12 साल के लिए और 15 साल के लिए, ये 3 टर्म में पॉलिसी अवेलेबल है। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अगर आप 9 साल की पॉलिसी परचेस करते हैं तो आपको प्रत्येक 3 साल के गैप पे, यानी कि जैसे 3rd ईयर कंप्लीट हो जाएगा, सपोज़ मान के चलिए मैंने आज पॉलिसी परचेस की है 2020 में, तो 2023 के एंड में मुझे 15% ऑफ सम अश्योर्ड मनी बैक के रूप में मिल जाएगा। अगर मैंने 1 लाख रुपए का पॉलिसी परचेस किया है तो मुझे 2023 में 15,000 रुपये कैशबैक के रूप में, मनी बैक के रूप में मेरे अकाउंट में वापस आ जाएंगे। ठीक है, अगेन 6th ईयर यानी कि 2026 में 15,000 रुपये वापस फिर मुझे मनी बैक के रूप में मिल जाएगा, और 9th ईयर यानी कि 2029 में जो भी मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा विद बोनस वो मुझे मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि आपका पैसा भी नहीं फंस रहा है और आपको रेगुलर इंटरवल पे पैसा मिल भी जा रहा है, लिक्विडिटी भी है। सबसे बड़ी ऑप्शन है इसमें लॉक इन पीरियड का जो होता है 3 साल का, वो चीज़ नहीं है। सपोज़ आपकी पॉलिसी 1 साल भी हो गई है और आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस पॉलिसी में। सेम कंडीशन अप्लाई है 12 साल के टर्म के लिए। अगर 12 साल की पॉलिसी आप परचेस करते हैं तो आपको 3 बार मनी बैक मिलेगा,
थर्ड ईयर में, सिक्स्थ ईयर में, नाइन्थ ईयर में, यानी कि सपोज अगर आप पॉलिसी 2020 में परचेस कर रहे हैं तो आपको 2023 में एक मनी बैक मिलेगा, 2026 में एक मनी बैक मिलेगा एंड 2029 में एक मनी बैक मिलेगा और 2032 में आपका फुल मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। सेम टर्म 15 साल की पॉलिसी के लिए। आई होप ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, समझ चुके होंगे आप। मैच्योरिटी बेनिफिट में क्या है जो मैंने आपको बोला था विद बोनस आपको मिलेगा, तो एक बार मैं डिटेल बताता हूँ। मैच्योरिटी के जब कंप्लीट होगी आपकी पॉलिसी, सपोज़ नाइन ईयर की पॉलिसी मैंने ली है तो 2029 में मेरा मैच्योरिटी हो रहा है पॉलिसी का, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि समस्योर तो मिलना ही है मुझे। जो मैंने 1,00,000 रुपये का समस्योर लिया है, 72,000 रुपीज़ सपोज़ मान के चलिए मेरा प्रीमियम आ रहा था वन टाइम, मैंने पे कर दिया 1,00,000 के बिहाफ में, तो वो 1,00,000 रुपये समस्योर तो मिलना ही है मुझे, वो कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। उसके साथ लॉयल्टी एडिशन बोनस मिलेगा। लॉयल्टी एडिशन बोनस क्या होता है और कैसे कैलकुलेट होता है ये मैं आपको अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स बता दूंगा। मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, मैंने सिंपल रिवर्शनरी बोनस को डिटेल में समझाया है एंड कैलकुलेशन भी बताया है, ठीक है। तो वहाँ से आप सिंपल रिवर्शनरी बोनस जो होता है वो जाके आप चेक कर सकते हैं क्या होता है, कैसे होता है और किस पॉलिसी में किस तरह से इंपैक्ट करता है। और लॉयल्टी एडिशन बोनस सारी पॉलिसीज में नहीं मिलती है, लॉयल्टी एडिशन बोनस सिर्फ उन्हीं पॉलिसीज में मिलती है जिनमें LIC का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें पार्टिसिपेट करती है पॉलिसीज प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उसमें आपको लॉयल्टी एडिशन बोनस मिलता है। लॉयल्टी एडिशन बोनस का मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा अगला, उसमें आप देख लीजिएगा। तो इसमें समस्योर तो मुझे मैच्योरिटी में मिलना ही है प्लस लॉयल्टी एडिशन बोनस मुझे मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं लॉयल्टी एडिशन यहाँ थोड़ा डिटेल में दिया गया है लेकिन इसमें कुछ आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर्स वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अब आते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड अदर रेस्ट्रिक्शंस क्या है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि जो पॉलिसी होल्डर कोई भी बंदा पॉलिसी लेना चाहता है तो उसकी एज मिनिमम 15 साल कंप्लीट होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 50 ईयर्स का अगर कोई बंदा है और वो पॉलिसी लेना चाह रहा है तो वो पॉलिसी परचेस कर सकता है, ठीक है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज क्या रहेगी, 59 ईयर्स रहेगी 9 साल की पॉलिसी अगर कोई परचेस कर रहा है। ये सिंपल आप समझाता हूँ मैं इस तरह से कि सपोज़ मान लीजिए 50 साल आपने देख लिया कि मैक्सिमम एज होनी चाहिए, अगर 50 साल की एज है तो पॉलिसी परचेस कर सकता है कोई भी मेल और फीमेल, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि 50 साल का बंदा जो है वो 9 साल की पॉलिसी मैक्सिमम ले सकता है, यानी कि 59 की एज में उसकी पॉलिसी मैच्योर हो जानी चाहिए। सेम अगर 12 साल की पॉलिसी लेता है तो वो 62 ईयर्स में पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगी एंड 15 ईयर्स की पॉलिसी लेता है तो 65 की एज में पॉलिसी मैच्योर हो जानी चाहिए, ठीक है। यानी कि ये क्लियर कट आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि अबव 50 पॉलिसी परचेस नहीं हो सकती है। अगर आपकी एज 50 साल है तो आप पॉलिसी अबव 50 साल है तो पॉलिसी आप परचेस नहीं कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 9 साल, 12 साल एंड 15 साल, ये तीन टर्म के लिए पॉलिसी आप परचेस कर सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड है 35,000 9 साल के लिए, अगर 9 साल की पॉलिसी आप लेते हैं तो आप मिनिमम 35,000 का सम एश्योर्ड परचेस कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि 1,00,000 का अगर मैं सम एश्योर्ड लेता हूं तो 1,00,000 मुझे डेथ 1,25,000 डेथ बेनिफिट मिलेगा, तो सेम वही चीज़ है। और सम एश्योर्ड जो होता है वो 5,000 रुपीज़ का मल्टीपल होता है, यानी कि आप 35 ले रहे हैं तो फिर 40 ले सकते हैं, फिर 45 ले सकते हैं, फिर 50 ले सकते हैं, इस तरह से आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज करेगा। सेकेंड, अगर आप 12 साल की पॉलिसी परचेस करते हैं तो आपको मिनिमम 50,000 का सम एश्योर्ड परचेस करना होगा, अगर आप 15 साल की पॉलिसी परचेस करते हैं तो मिनिमम 70,000 रुपीज़ का पॉलिसी परचेस करना पड़ेगा। मैक्सिमम सम एश्योर्ड का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 1,00,000 जितने का लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। सम एश्योर्ड का मल्टीपल जो होगा 5,000 रुपीज़ रहेगा, जो मैंने आपको बता दिया। प्रीमियम पेमेंट मोड जो है वो सिंगल प्रीमियम है, यानी कि आपको वन टाइम पेमेंट करना होगा। सपोज़ मान के चलिए मैं पॉलिसी आज परचेस कर रहा हूँ 10,00,000 की, तो जो भी मेरा प्रीमियम आ रहा है 6,00,000-7,00,000 रुपये वो मुझे वन टाइम पे करना है, ठीक है। वो मेरा वेरिएबल नहीं रहेगा कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क अंडर द प्लान, यानी कि रिस्क आपका कब से कवर होगा। सपोज़ मान लीजिए पॉलिसी लेने के बाद मेरी डेथ हो जाती है, या कोई भी पॉलिसी होल्डर है पॉलिसी आज लिया और 10 दिन के बाद उसकी या 1 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई, तो आप पूछेंगे, ऑब्वियस सा क्वेश्चन रहेगा कि इस पॉलिसी में जब इंश्योरेंस कवरेज अवेलेबल है तो वो इंश्योरेंस कवरेज का बेनिफिट मुझे कब से मिलना चालू होगा, क्या इसके लिए कोई वेटिंग पीरियड है। तो सर जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस पॉलिसी में कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। इवन LIC के मैक्सिमम पॉलिसीज में कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता है। इसमें क्या है, डे वन से आपका कवरेज स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आपकी पॉलिसी इश्यू होती है और आपको मैसेज आ जाएगा कि हाँ आपकी पॉलिसी इश्यूड हो चुकी है, वैसे ही आपका रिस्क कवरेज स्टार्ट हो जाता है। सपोज मान के चलिए कोई पॉलिसी होल्डर है, उसने आज पॉलिसी परचेस की और कल के डेट में डेथ हो गई, ठीक है, और पॉलिसी उनका इश्यू हो चुका है, तो उस सिचुएशन में उनके नॉमिनी को फुल बेनिफिट मिलेगा। डेथ बेनिफिट जो 1.25 टाइम्स ऑफ सम एश्योर्ड है वो पूरा का पूरा बेनिफिट उनको मिलने जा रहा है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसके बाद आप देख सकते हैं डेट ऑफ वेस्टिंग अंडर द प्लान, ये कुछ नहीं है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये आपके बेनिफिट का नहीं है। बेनिफिट का फिर ऑप्शन अवेलेबल है राइडर बेनिफिट्स। राइडर बेनिफिट एक एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करती है LIC, जो आप अगर परचेस करना चाहे तो परचेस करना चाह सकते हैं। नॉर्मली 4 राइडर बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है LIC, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, ऑप्शन टू टेक डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट, और इसमें आपका 3 ही राइडर यहाँ पे दिख रहा है, तो ये 3 राइडर आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि राइडर्स होता क्या है, क्योंकि राइडर का टॉपिक एक अलग ही और बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और इसमें बेनिफिट्स भी आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज मिलते हैं, तो ये इसके लिए मैं राइडर का एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। उसके अलावा अब नीचे चलते हैं हम, यहाँ पे क्या है, सैम्पल इलस्ट्रेटिव प्रीमियम, यानी कि एक समझाने के लिए एक प्रीमियम का एग्जांपल दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा, जो चीज़ें मैंने बताई वो तो आपको समझ में आ ही गई होगी, बट यहाँ रिटर्न में दिया हुआ है। तो सपोज़ मान लीजिए कोई पॉलिसी होल्डर है, वो 1 लाख का सम अश्योर्ड के लिए पॉलिसी परचेस करता है। ठीक है, सपोज़ मान लीजिए कस्टमर की एज 15 ईयर्स, यानी कि 15 साल का एज है, और उसने 9 साल के लिए पॉलिसी परचेस किया, तो आप देख सकते हैं इधर एज लिखा हुआ है 15, 25, 35, 45, ये आपका कस्टमर का एज है, जो पॉलिसी होल्डर का एज है, एंड इधर आपको 9, 12, 15 जो लिखा हुआ है वो पॉलिसी का टर्म है। तो सपोज मैं 15 साल का एग्जांपल लेता हूँ, 15 साल का एक बंदा है, उसने पॉलिसी परचेस किया है, वेदर मेल और फीमेल कोई भी हो, उसने पॉलिसी परचेस किया है 9 साल के लिए, तो उनको प्रीमियम पे करना है 72,187 रुपीज़, यानी 72,187 रुपये उनको वन टाइम प्रीमियम पे करना है। अब वन टाइम प्रीमियम पे करने के बाद क्या है कि अब यहाँ पे नीचे तो एग्जांपल दिया नहीं है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। वन टाइम कस्टमर ने प्रीमियम पे कर दिया, अब कस्टमर क्या है कि 9 साल तक सर्वाइव कर दिया, 9 साल तक पॉलिसी होल्डर सर्वाइव कर चुका है, एंड अब उसमें मिलेगा क्या, तो देखिए 72,000 का प्रीमियम पे हुआ है। अब बेनिफिट्स कैलकुलेट करेंगे, थर्ड ईयर में जैसा कि मैंने आपको बताया 15% ऑफ सम अश्योर्ड कैश बैक मनी बैक मिलेगा, तो थर्ड ईयर में पॉलिसी होल्डर को 15,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि 1 लाख का 15% आप कैलकुलेट करेंगे तो 15,000 आएगा। सिक्स्थ ईयर में यानी कि 2026 में 15,000 रुपये अगेन मिलेंगे, एंड 2029 में सम अश्योर्ड जो रहेगा 1 लाख रुपीज़ वो तो मिलना ही है, प्लस उसके साथ लॉयल्टी एडिशन बोनस कैलकुलेट करके जो अमाउंट होता है वो लॉयल्टी एडिशन बोनस मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन होता है। मैच्योरिटी अमाउंट का फॉर्मूला जो है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया, जाके आप देख लीजिएगा, वहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि मैं एग्जैक्ट मैच्योरिटी अमाउंट कितना हो रहा है। अभी मैं कैलकुलेट करके आपको बता नहीं सकता इसमें, इस वजह से आप वहाँ पे एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आपका मैच्योरिटी कितना बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। रिबेट आप देख सकते हैं हायर सम अश्योर्ड के लिए क्या है। सपोज़ मान लीजिए कोई पॉलिसी मतलब हायर सम अश्योर्ड के लिए परचेस करता है, मतलब 1 लाख का नॉर्मल पॉलिसी है कोई, और उसमें आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख के सम अश्योर्ड के लिए अप्लाई करते हैं पॉलिसी, तो LIC क्या करती है कि हाई सम अश्योर्ड लेने के बाद कुछ रिबेट प्रोवाइड करती है प्रीमियम में। ठीक है, प्रीमियम में सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या रिबेट है, अगर 75,000 से नीचे की मैं पॉलिसी लेता हूँ तो कोई रिबेट नहीं मिलेगा, अगर 75,000 से लेके 1,50,000 तक का पॉलिसी मैं परचेस कर रहा हूँ सम अश्योर्ड, ये सम अश्योर्ड आप कैलकुलेट कीजिएगा, सम अश्योर्ड अगर मैं ले रहा हूँ तो 6% का बेनिफिट मुझे मिलेगा, रिबेट मिलेगा, यानी सपोज अगर मेरा प्रीमियम 1 लाख रुपीज़ आ रहा है तो 6,000 रुपये का रिबेट मुझे मिल जाएगा, मुझे 94,000 ही प्रीमियम पे करना है। अगर 1.5 लाख के ऊपर का सम अश्योर्ड मैं परचेस कर रहा हूँ तो फिर मुझे 8% का रिबेट मिलेगा। ठीक है, इस तरह का बेनिफिट है, वैसे ही 12 साल वैसे ही 15 साल के टर्म्स में अवेलेबल है, ये मैं अपने ब्लॉग में डिटेल में आपको दे दूंगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा जाके, और इसका मैं PDF भी अटैच कर दूंगा। ये LIC का ऑफिशियल ब्रोशर है, ठीक है, इस वजह से इसमें कोई भी लाइन मिसगाइडिंग नहीं है, और इसे मैं सिंपल लैंग्वेज में है इसीलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे पॉलिसी लोन, अब लोन का क्या फैसिलिटी है कि लोन कैन बी अवेल्ड अंडर दिस पॉलिसी एनी टाइम आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ 1 पॉलिसी ईयर, यानी कि इसमें कोई 3 साल का लॉक इन पीरियड नहीं है, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं लाइन से, अगर आपकी पॉलिसी 1 साल कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आप 60% ऑफ द सरेंडर वैल्यू तक लोन ले सकते हैं। सरेंडर वैल्यू का भी एक कैलकुलेशन होता है, एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको एक वीडियो बना के सेपरेट दे दूंगा कि सरेंडर वैल्यू को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं उसे। ये मैं आपको एक लमसम वैल्यू दे दूंगा, इसमें 10-20 रुपये, 100 रुपये का डिफरेंस हो सकता है, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो वो मैं आपको एक अलग वीडियो बना के दूंगा। तो इस तरह से आप 60% तक लोन भी अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 1 ईयर। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया सरेंडर बेनिफिट क्या है, कि सरेंडर बेनिफिट जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, बट नॉर्मली यहाँ पे एक बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है जो सिंपल लाइन है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि द गारंटेड सरेंडर वैल्यू पेएबल ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म शैल बी एज अंडर
फर्स्ट ईयर 75% ऑफ द सिंगल प्रीमियम पेड, यानी कि अगर फर्स्ट ईयर में आप पॉलिसी सरेंडर कर देते हैं, सपोज़ मैंने 2020 में अभी जून का मंथ चल रहा है, जून के मंथ में पॉलिसी परचेस की, और 2021 के जून से पहले मैं अगर पॉलिसी सरेंडर कर देता हूँ, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो भी मैंने प्रीमियम पे किया है, सपोज़ मैंने ये 1 लाख का प्रीमियम पे किया है, तो मुझे सिर्फ 75% ऑफ द प्रीमियम पेड रिटर्न मिलेगा, यानी कि मुझे 75,000 रुपये ही रिटर्न मिलेंगे, 25,000 रुपये का मेरा नुकसान हो जाएगा। तो एक चीज़ दिमाग में हमेशा बैठा के रखिएगा कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए नहीं सोचना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं सोच रहे हैं, तो अगर आप सरेंडर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के बाद, तो वो आपका नुकसान है, और फिर आपको इन्वेस्टमेंट करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, और फिर इन्वेस्टमेंट करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है आपको। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए ही मत, आप फिर SIP में जाइए। SIP में आपको कोई लॉस नहीं होता है, वहाँ पर आप लॉक इन पीरियड वगैरह कुछ होता नहीं है, आपको जब रिक्वायरमेंट है तब आप फुल अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। बट LIC में अगर आप जा रहे हैं, तो मेरा स्ट्रिक्ट सजेशन है कि आप उस पैसे को बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के तौर पे ही समझिए, वो पैसा बीच में आपके किसी काम के आने वाला नहीं है। अब दूसरा चीज़ क्या है कि अगर आप 1 ईयर के बाद सरेंडर करते हैं, सपोज़ मैंने 2020 जून मंथ में पॉलिसी परचेस की, एंड मैं नेक्स्ट ईयर 2021 सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पॉलिसी को सरेंडर कर रहा हूँ, तो जो भी मैंने प्रीमियम पेड किया है सिंगल प्रीमियम, उसका मुझे 90% रिटर्न मिलेगा, यानी अगर मैंने 1 लाख रुपये पे किया है, तो मुझे 90,000 रुपीज़ रिटर्न मिलेगा। तो इस तरह से पॉलिसी सरेंडर वर्क करता है, बट ये बीमा बचत प्लान के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। अलग अलग पॉलिसीज़ के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, जो कि मैं आपको मत बताया हुई है मैंने कि अलग वीडियो बना दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को मैं आज यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं। अगर इसमें कुछ डाउट रह जाता है आपको, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा इससे रिलेटेड, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।